समय मैं कैसा सोचूंगी, बोलूंगी, व्यवहार करूंगी, वो मेरा वर्तमान, मेरा प्रेजेंट कर्मा क्रिएट हो रहा है, और जो मेरा प्रेजेंट होगा वही मेरा, अब आखिरी वाला तीसरा काला बताओ, मेरा पास्ट आया, मेरा प्रेजेंट क्रिएट हुआ, और जैसे मैंने अभी बॉल फेंकी वैसी बॉल अब फिर से आएगी, वो मेरा फ्यूचर है। तो पास्ट आ रहा है, प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है, और फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। तीनों काल साथ साथ चल रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है त्रिकालदर्शी होकर हर कर्म कीजिए। त्रिकालदर्शी होकर मतलब समझकर कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये पहले मैंने किया था, तो पास्ट याद आ जाएगा, फिर याद रखिए अब मैं जो करूँगी वो मेरा प्रेजेंट है, और अब मैंने जो किया वो वापस मेरा फ्यूचर बनना ही है। तो पास्ट के अंदर कोई शक्ति नहीं है। सारी शक्ति किसके अंदर है? सारी शक्ति किसके अंदर है? प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट से क्या डिसाइड हो जाएगा? फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली मेरा हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल क्या हो जाएगा? ऐसे वाला, ऐसे ऐसे ऐसे, देने वाला, देने वाला, दुआएं देने वाला, सबको दुआएं दो। और सिंपल, कुछ भी नहीं आ रहा ना, कैसे दुआ देनी है, सिर्फ एक संकल्प करो, वो बहुत अच्छे हैं, वो शक्तिशाली आत्मा है, वो परमात्मा के बच्चे हैं, ये मेरा उनके साथ पुराना हिसाब किताब था। कुछ समय पहले हमारे पास सेंटर पे एक युगल आया, कपल, उनका बेटा जो अभी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनका बेटा किडनैप हुआ था, और उनको ना वो सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई थी जहाँ उस बच्चे को रखा, जो जो हुआ उस बच्चे के साथ। और अब बच्चा चला गया तो वो दर्द तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन और ज़्यादा दर्द उनको इसलिए हो रहा था क्योंकि उनको बार बार कोर्ट में जाना पड़ रहा था, और सामने कौन खड़ा होता था? सामने कौन खड़ा होता था? वो व्यक्ति जिसने वो किया, और जिसको उन्होंने वो सीसीटीवी में देखा था वो सब करते हुए। तो वो लोग जब सेंटर पर आए, वो माँ कहती है मैं नहीं जा सकती उधर विटनेस देने के लिए, मेरे को कुछ बहुत मुश्किल होता है उस आत्मा को देखते हुए जो सामने खड़ा है। बहुत रोई और फिर कहा, पर ज्ञान वो बहुत दिन से सुन रही थी तो खुद ही बोली, हम तो नहीं बोलते ऐसे जब कोई आता है ऐसी बात लेकर के, ये तो हमारे कर्मों का परिणाम है, फैक्ट तो वो होता ही है, लेकिन उसको ज्ञान समझ में आ गया था। तो फिर वो एकदम रोते रोते रुकी और फिर वो बोली, हमने ही कुछ किया था क्या जो ऐसा हुआ? मैंने कहा छोड़ देते हैं ना उस बात को, अभी क्या करना है उस पर फोकस करते हैं। कहती नहीं, पहले बताओ हमने ही कुछ किया था ना जिसकी वजह से ऐसा हुआ? मैंने कहा ज़्यादा सोचना नहीं, मन बहुत भारी हो जाता है ऐसा सोचकर। कहती नहीं, समझ आ गया, हमने ही कुछ किया था, अब क्या करना है हमको? मैं कहा वो जो सामने दिखता है ना व्यक्ति खड़ा हुआ हर टाइम, सबसे पहले अपने आप से पूछो, इस आत्मा ने मेरे साथ इतना गलत किया क्यों? क्यों किया इस आत्मा ने मेरे साथ इतना गलत? मेरा कुछ तो उसका पूर्व के साथ हिसाब किताब है। फिर हमने उससे पूछा, आप उसको फिर से मिलना चाहते हो किसी जीवन में? कहते मुझे कभी नहीं देखना उस आत्मा को फिर से। मैं कब फिर उस हिसाब किताब को इस बार क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इस बार उस हिसाब किताब को क्या करना पड़ेगा? ख़त्म करना पड़ेगा। अगर अभी हम उस आत्मा से नफरत कर रहे हैं तो हम तो अपनी गांठों को क्या करते जा रहे हैं, और भी ज़्यादा बांधते जाते हैं। मैंने कहा देश का कानून अपना काम कर रहा है, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपके यहाँ से अब उसको कोई एनर्जी नहीं जानी चाहिए। मतलब आप अपनी रस्सी जो उसके साथ है उसको क्या करना होगा, आपको अपनी रस्सी को उसको तोड़ो। आप पिछली बार मिल चुके हो, इस बार इतनी ज़्यादा तरह से मिले हो, फिर से हमें उस आत्मा को नहीं मिलना है अगर, तो हमें अपनी रस्सी को क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। लेकिन नफरत तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रस्सी बन जाती है। तो पता है उसको क्या करना पड़ा उसके लिए, कैसे हम अपने हिसाब किताब को ख़त्म करते हैं? रोज़ मेडिटेशन करके, योग में, ध्यान में बैठकर, उसके बाद चार संकल्प आप भी साथ साथ करो। पहला संकल्प, जो हमारे साथ अभी गलत कर रहे हैं, जो मेरे साथ आज गलत कर रहा है, अब मुझे स्मृति आ गई कि मैंने कुछ ना कुछ उस आत्मा के साथ किया था, नहीं तो वो मेरे साथ गलत कर नहीं सकते। तो पहले
पहले मैंने जो गलती की थी जो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो घाव मैं उस आत्मा को देकर आई हूँ पहले, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। मन में सामने जाकर नहीं, जो मेरे साथ आज गलत कर रहा है, पहले मन में हम उनसे पुरानी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। दूसरा संकल्प, आज जो उन्होंने हमारे साथ किया, हम अपने मन चित से उस बात को ख़त्म करके कहते हैं, हम आपको क्षमा करते हैं। और तीसरा, हमारा और आपका हिसाब किताब अब ख़त्म हुआ, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, ये संकल्प करते हैं। और मेरी तरफ से आपको अब सिर्फ दुआएं आपकी आगे की यात्रा के लिए। वो बहन ने रोज़ किया। वो पहले तो वो बहुत नाराज़ हुई, कहती मैं उससे क्षमा नहीं मांगूंगी। मैंने बोला जाके थोड़ी मांगने, लेकिन जो पहले चोट दी है उसको ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। तो पहले दो चार दिन उससे हुआ नहीं, तो वो लिखने लगी, क्योंकि बोला नहीं जा रहा था, मन में संकल्प भी नहीं किया जा रहा था। लिखा उसने, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं आपसे क्षमा मांग, लिखना शुरू किया, फिर सोचना शुरू किया, फिर अंदर करती गई करती गई। अब पता है क्या हुआ उसके बाद? अब वो आराम से कोर्ट में जा सकती है, वो वहाँ बैठती है, वो अपना जो उसको पूछा जाता है वो अच्छे से बोलती है। लेकिन उसको उस व्यक्ति को देखकर अभी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने अपनी सोच को क्या कर लिया, सारा चेंज। दूसरे ने जो कर्म किया उसका परिणाम तो उसके पास आने ही वाला है, देश का कानून भी काम करेगा और उसका कर्म भी काम करेगा। लेकिन अपने मन चित से साफ करके हम किसके कर्मों के हिसाब किताब को ठीक कर लेते हैं? अपने। जो गलत कर रहा है उसके साथ उलझ कर हम अपने भी हिसाब किताब को क्या कर लेते हैं? बहुत उलझा लेते हैं। आनी चाहिए ये शक्ति के नहीं आनी चाहिए? होनी चाहिए ये शक्ति के नहीं होनी चाहिए? ताकि जीते हुए भी हम लाइट रहें, बोझ ना हो आत्मा पर, और जाते हुए भी कैसे जाएं? कौन कौन खुश खुश जाना चाहेगा? जाते समय हैप्पी खुश, जाते समय खुश वो आत्मा जाएगी जो लाइट रहेगी, जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा, जिसके ऊपर कोई बोझ नहीं होगा, क्योंकि उसने जीते हुए ही अपने हर कर्जे को क्या कर दिया? चुक तू, हर हिसाब किताब को क्या कर दिया? सॉर्ट आउट। ठीक, तो जीते हुए भी खुश रहेंगे, लाइट रहेंगे, जाते हुए भी बहुत खुश रहेंगे, लाइट रहेंगे। अगर आपको कभी भी कोई लगे, जैसे कभी कभी होता है ना, शरीर बहुत बीमार हो जाता है लेकिन आत्मा शरीर नहीं छोड़ रही होती है, होता है कि नहीं? कई बार ऐसा जानते हैं ना हम, कि कभी कभी ऐसे होता है, दिनों दिन महीने महीने आत्मा शरीर नहीं छोड़ती, शरीर कुछ नहीं कर सकता है लेकिन आत्मा शरीर नहीं छोड़ रही होती है। क्यों नहीं छोड़ रही होती है? क्यों नहीं छोड़ती आत्मा शरीर? क्यों नहीं छोड़ती आत्मा शरीर? शरीर तो कोई काम का नहीं कर रहा, आत्मा क्यों नहीं शरीर छोड़ती है? कुछ तो अटका हुआ है वहाँ पर। जाइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए, वो आपके शब्द नहीं आपके संकल्प को भी इस समय कैच कर सकते हैं। आत्मा की कैचिंग पावर बहुत हाई होती है। उनसे बात कीजिए, उनको साथ पुरानी बातों को ख़त्म कीजिए, उनको क्षमा कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए और उनको कहिए सब कुछ भूल जाओ, निश्चिंत रहो, हमारी चिंता नहीं करो, आपका शरीर ये ठीक नहीं है, अब आपका नया शरीर तैयार हो चुका है, आप जाओ यहाँ से। उनको प्यार से जाने के लिए कहो, कुछ ही क्षणों में आत्मा शरीर छोड़ देती है।